नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि आप इंग्लिश के लिए किस तरह से अपनी अप्रोच रखेंगे। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे खासकर मेरे पेड बैच वाले बच्चे हैं उनको ये कन्फर्म कन्फ्यूज़न हो रहा था कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने और कितने पढ़ने और कहाँ कहाँ तक पढ़ने हैं, मतलब कितना टाइम तक के पढ़ने हैं। ओके, तो उसी के लिए आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसके लिए ऊपर एक वीडियो जैसी बनाई जाए और आपको सभी को ही इसके बारे में अवगत करवा दी जाए, जो पेड बैच में एनरोल हैं उनके लिए भी और जो पेड बैच में एनरोल नहीं है उनके लिए भी। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर मैं खुद 2019 से पढ़ रहा हूँ, 2019 से मैं करंट अफेयर डेली बेसिस के ऊपर पढ़ रहा हूँ और डेली के लगभग 1.5 से 2 घंटे मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ आज भी। बट ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो मैंने पढ़ा होता है वो ही आया होता है। ओके, तो करंट अफेयर कहाँ से आ जाए, कौन सा टॉपिक आ जाए, वो आपको मतलब कंफर्म नहीं होता है उसका। ओके, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा, स्पेशल जो बीएड के एंट्रेंस वाले हैं उन बच्चे उनके लिए। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक आप स्पोर्ट्स के जितनी भी न्यूज़ होंगी, किसने कोई भी ओपन होगा आपका, जो आपको पता है कि जैसे टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, है ना, तो 4 बहुत मेजर होते हैं आपके पास, ऑस्ट्रेलियन, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएसए होता है, फ्रेंच होता है ना, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने जीता और वो कहाँ से था। ओके, इनका पता होना चाहिए। फिर आप कहते हैं क्रिकेट हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, या किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है, चलो ये भी लिख लेते हैं। स्पोर्ट्स के बाद नेक्स्ट है आपका कोई अवार्ड, किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है, काफ़ी मतलब प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल रहा है, आप उनको देख सकते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने होते हैं करंट अफेयर के लिए, क्योंकि आपको यूपीएससी या फिर एचएएस लेवल का एग्ज़ाम नहीं लिखना होता है। तो सिर्फ आपको जिस्ट जैसा पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा था और ये उनका नाम था, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, और आपको कौन सा पता होना चाहिए, कोई नहीं अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति, कोई नहीं नियुक्ति होती है, मतलब किसी भी पद के ऊपर कोई भी होता है, चाहे वो कहीं किसी का राष्ट्रपति बनता है, कहीं का प्रधानमंत्री बनता है, जो भी 6 महीने में, पहले याद रखना कि 6 मंथ, यानी कि आप रखना ध्यान, आप दिसंबर नहीं, लास्ट के 6 मंथ आपका करना नवंबर 2022 से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक की करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेंगे। और कॉमनवेल्थ होता है, वर्ल्ड कप होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स में बहुत कुछ आता है, जैसे वर्ल्ड कप अभी बहुत सारे हुए, वर्ल्ड कप हुआ, और जहाँ भी कोई चीज़ पहली बार हो रही होगी, पहला पहला प्यार, तो जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही होगी, किसने, जैसे इंडिया ने अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता, पहला पहला प्यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पहला पहला जो भी आएगा ना, कि पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, फर्स्ट टाइम कोई महिला बनी होगी ना, वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट में अगर कोई महिला आ गई ना किसी की नियुक्ति, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर फर्स्ट में कोई भी चीज़ हो रही हो, पहली बार हो रही हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, बाकी चीज़ें तो मैं आपको करवा ही दूंगा, आपके हमारे जो हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तब तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करवा ही दूंगा। करंट अफेयर का इस तरह से है, क्योंकि करंट अफेयर डेली बेसिस के ऊपर करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, वैसे डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको खुद से भी करना पड़ेंगी। ओके, और क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, तो वो मंथली मैगजीन के थ्रू पढ़ सकते हैं या फिर किसी और के थ्रू पढ़ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई, इनके बारे में पढ़ना है। अच्छा, फिर अभी नए गवर्नर वगैरह बने थे, गवर्नर बने थे, फिर कहीं पर इलेक्शन होते हैं, जैसे कहीं पे इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे अभी नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हुए तो कौन जीता, कौन सी पार्टी जीती, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर आपका आर्मी से रिलेटेड, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, या फिर आपका एयरफोर्स हो, कुछ कोई भी हो इनमें से, ये आपको पढ़ने हैं बहुत ज़रूरी। ये क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना हमारे, इंपॉर्टेंट डेज, इनके बारे में पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है, विद उनकी थीम क्या है, हाँ थीम क्या है, ये मैं पेड बैच वाले बच्चों को मैं करवाऊंगा, ये वो तो निश्चिंत रहें, उनको तो ये करवा दूंगा मैं जो जो मैं करवा पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अभी से याद करना स्टार्ट करनी चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर पढ़ लें तो भी बहुत है। बाकी 2 दिन हमारे पास कुछ साइट्स भी आती हैं जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर 10-10 पढ़ते हैं, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, किसी को वो देखना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर जो पेड बैच वाले बच्चे होंगे तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको वहाँ पर मतलब बता दूंगा कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, मैंने उनको बताया भी है। ओके,
तो ये मेनली मेनली चीज़ें यही पढ़नी होती हैं आपको। इनमें से मैं कुछ स्किप भी कर रहा हूँ शायद, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। पहली बार कहीं महिला बनी है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपको पढ़ना है कि कोई संगठन है ना, संगठन संगठन के बारे में, कहाँ पे इसका मुख्यालय है, ये बस DRDO हो गया, ISRO हो गया, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। UN के कोई नेशन है उनके, उनका पढ़ना है, ठीक है, इनको मैं करवाऊंगा भी। लेकिन जो जो चीज़ें आपको खुद से थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी वो ये है, स्पोर्ट्स बहुत बड़ी कैटेगरी हो जाती है, इसमें आपको हॉकी भी कवर करना है, कॉमनवेल्थ भी कवर करना है, वर्ल्ड कप भी कवर करना है, बहुत कुछ कवर करना होता है इनमें। तो ये हो गया आपका हमारा स्पोर्ट्स का, जहाँ तक मुझे लगता है। अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फिर आपका पहली बार कोई महिला बनी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट आएगा हमारे, इसमें किसी की मृत्यु हुई, ये भी है, डेथ हुई, जैसे बप्पी लहरी की डेथ हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, उनके बारे में पढ़ना है। अवार्ड्स में से मैंने करवा दिए हैं, अवार्ड भी देखो बहुत सारे होते हैं। किसी को अगर परमवीर चक्र तो अभी तक बहुत टाइम से नहीं मिला, अगर ये मिलता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता। फिर आपको याद करना है हमारे होते ना भारत रत्न, भारत रत्न पहली बार किसको मिला था और हाल ही में किसको मिला वो पता करना है आपको। फिर आपके होते हैं जैसे वो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान है ना, ये बहुत सारे के बिड़ला फाउंडेशन वाले जितने भी आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। रमन मैसेसे अवार्ड, यानी कि अवार्ड जहाँ पे भी दिख जाता है वो आपको याद पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कोई प्लेस हो जाती है, इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे अभी G20 समिट को सबमिट हो रहा है, G20 समिट इस टाइम, इस बार 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, है ना। कहीं भी कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई फेस्टिवल चल रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो रही है जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आए हैं इंडिया में खासकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलो, ये आपके जो जितने भी संगठन हैं इनके बारे में तो मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, इनके बारे में आपको निश्चिंत रहना है, है ना, ये तो आपको मैं करवाऊँगा ही। फिर इसमें आता है आपका डेथ वगैरह के बारे में। फिर आपका वो आता है ना पद्म अवार्ड, अवार्ड में एक और आते भाई पद्मा, जो पद्मश्री और पद्म भूषण है वो तो आपको सिर्फ यही याद रखना कि कितने हैं दिए गए हैं, या फिर आप हिमाचल का याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में किसको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला तो मिला है तो क्यों मिला, किस क्षेत्र में मिला, वो आपको पता करना होना चाहिए। पद्म विभूषण इस बार 6 लोगों को मिले हैं तो उनके नाम होने चाहिए, पद्म विभूषण की बात कर रहा हूँ मैं, वो 6 लोगों को मिले हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये होगी आपकी स्ट्रेटजी आपको करंट अफेयर की, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इक्का दुक्का नंबर के लिए आएंगे तो कभी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे को ऐसा होता है कि मैं करंट अफेयर मैं मतलब मेरे को पढ़ने ही होते हैं, मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दिन में कुछ भी नहीं किया। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभार, तो स्पोर्ट्स वाले भी, क्योंकि आपके मुझे लगता है कि आपके टेस्ट के हिसाब से स्पोर्ट्स वाले या फिर कोई अवार्ड होगा उन्हीं से ही आपका हो जाएगा। ओके, बुक्स भी आती हैं वैसे इंपॉर्टेंट बुक्स, किसी को डेथ होगी इंपॉर्टेंट बुक्स किसी ने लिखी लेकिन बुक्स याद नहीं रहती हैं, किसी बुक्स को बहुत मतलब जैसे पुलित्ज़र पुरस्कार हो गया या फिर कोई पुरस्कार मिल रहा है, अगर वैसा कुछ हो तो आप वो बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। वैसे इन्हीं 4-5 कैटेगरी को पढ़ लेना, ज़्यादा भी हौच पौच नहीं करना, हमें सिर्फ वही है कि हो आगे तो ठीक है, पता चला आप जैसे मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे को आदत पड़ गई है, मुझे पता है कि मेरे 2 घंटे कहीं काम नहीं आएंगे, अभी तो मैंने कोई टेस्ट देना भी नहीं है पर मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं नहीं वो कर सकता। पहले तो मैं लिख के करता था सारे, तो उसमें मतलब कॉपीज़ भर जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी होता है, तो वही चीज़ें पढ़नी है आपको जहाँ से। अच्छा, एक और मैगज़ीन का मैं सोर्स बता देता हूँ, मुझे ज्ञानम बहुत सही, मैंने एक बार पढ़ी है, एक दो बार पढ़ी है मैंने ज्ञानम, तो वो ज्ञानम काफ़ी सही लगी थी। कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण को या फिर अलग अलग मैगज़ीन को फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे ज्ञानम बहुत सही लगती है। तो वो मंथली आती है और 100 रुपीज़ के अंडर ही आ जाती है, उसके PDFs में मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। और कैसे पढ़ना है ये चीज़ आएगी, पढ़ना कैसे है ज्ञानम को, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ज्ञानम को जैसे उसमें थोड़ी डिटेलिंग भी दे दी जाती है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो UPSC लेवल की तैयारी करवा दी, तो वही सीखना है, क्योंकि उसमें हम पाप मतलब उसमें कितने कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है। देखो, हर एक आपकी कोई खबर होगी तो खबर होगी आपकी हेडिंग, तो या तो आप हेडिंग पढ़ो, सिंपल सिर्फ हेडिंग ही पढ़ो, बट कई बार हेडिंग से क्लियर नहीं होता है। जैसे फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया कि पहली बार आपका लिक्विड क्या बोलते हैं यूरिया का जो संयंत्र है वो क्लोर गुजरात में लगा,
तो ये इससे बात क्लियर, इससे आगे क्या ही पूछेगा वो, किसके द्वारा लगा, इफको के द्वारा लगा, इतना सही होगा। तो आप थोड़ा सा जस्ट आपको आइडिया लेना होता है और करंट अफेयर कभी याद नहीं करने होते हैं। देखो इसरो के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के DRDO के इनके प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पता होना चाहिए इनके बारे में। और नए नए कोई आविष्कार हो रहा हो, हाँ आविष्कार, तो वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, है ना। इसरो के इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं, जैसे इनका है वो रॉकेट है इनके पास PSLV, फिर GSLV, फिर SSLV, LVVI इन्होंने नया किया, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं, इतना से काफ़ी है आपके लिए। तो आज हम करंट अफेयर की ही रखते हैं, बाकी हम बाकी बाद में कर लेंगे। आविष्कार गलत लिखा है, है ना, कुछ कुछ आपने किया होगा, तो बाकी जो जितना भी रहेगा आपका मुझे लगता है आप कर लेंगे। हिंदी की मैं, अगर आपकी डिमांड आएगी तो हिंदी की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सही चले हैं हमारे दोनों बैचेस, काफ़ी सही चले हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स का। मात्र हमारे पास 2000 रुपीज़ की फ़ीस है, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ना हो अपने, 2000 रुपीज़ फीस फिक्स है उसकी, ओके। चाहे आप 2 महीने में ख़त्म कर दो, चाहे 15 दिन में ख़त्म कर दो पूरे सिलेबस को, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यहीं से विदा लेते हैं, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।